आज पाकिस्तान के दौरे पर जा रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। बैंकॉक में पाकिस्तान से गोपनीय बातचीत के बाद सुषमा स्वराज के पाक दौरे पर उठे सवाल, कांग्रेस के साथ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी भारत पाक एनएसए बातचीत पर उठाए सवाल, कहा आखिर क्या बदलाव आया कि बातचीत शुरू हुई। संसद में नेपाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहता भारत। सुषमा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर साधा निशाना, कहा मणिशंकर अय्यर की आदत है झगड़ा कराना। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को जारी किया निर्देश, तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे एटीएम और दूसरी जरूरी सेवाएं देने के लिए कहा। नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को आज हाजिर होने का फरमान, हाईकोर्ट ने खारिज की पेशी से छूट की याचिका, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ राहुल ने संसद के बाहर खोला मोर्चा, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। संसद में कांग्रेस की आज है अहम बैठक, भारत पाक वार्ता, वीके सिंह और मूल्य वृद्धि को लेकर पार्टी तय करेगी रणनीति। सोमवार को संसद में मास्क पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी, केंद्र पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का लगाती रही हैं आरोप। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक, जीएसटी बिल पर होगी चर्चा। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा में पहली बार बोलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष साध रहा है निशाना। मीसा भारती नहीं बनेंगी बिहार राजद की अध्यक्ष, राबड़ी देवी ने किया खबरों से इनकार। और इवन फॉर्मूला के लिए दिन और तारीख तय करने के बाद केजरीवाल की याद आई दिल्ली की जनता, रेडियो पर लोगों से मांगे सुझाव। दिल्ली सरकार के और इवन वाले फॉर्मूले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, फैसले पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान, केजरीवाल सरकार के और इवन फॉर्मूले के प्रस्ताव की नहीं मिली कॉपी। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती ने कहा प्रस्ताव मिलने के बाद पुलिस बलों की संख्या और जनहित का ध्यान रखकर करेंगे फैसला। 1 जनवरी से दिल्ली में लोग महीने में 15 दिन ही चला सकेंगे अपनी गाड़ियां, सरकार ने ऑड इवन नंबर की गाड़ियों के तय किए दिन। दिल्ली में ऑड इवन नंबर की गाड़ियों के फॉर्मूले को लेकर ट्रांसपोर्टर्स में डर, ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कमर्शियल गाड़ियों पर लागू ना हो फैसला। दिल्ली में देवली मेन मार्केट में 10 दुकानों में एक साथ चोरी, नाराज दुकानदारों ने बाजार बंद करने के कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। 25,000 से ज्यादा शादियों ने सोमवार रात रोकी दिल्ली की रफ्तार, कई जगहों पर लगा जाम। आईआईटी दिल्ली में लगा साइंस एग्जीबिशन, देश के कोने कोने से आए छात्रों ने लगाई प्रदर्शनी। दिल्ली में प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ा प्रदूषण का असर, सर्दियों में दिल्ली आने वाले पक्षियों की तादाद हुई काफी कम। दिल्ली के गाजीपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लगी गोली, पुलिस को आशंका है किसी शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग से लगी है गोली। दिल्ली के मियांवाली नगर में पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे को गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पैसों के लेन देन में हत्या का शक। रेल की पटरी और प्लेटफॉर्म पर गंदगी को देखते हुए एनजीटी ने लगाया रेलवे पर 5 लाख का फाइन, दिल्ली सरकार और एमसीडी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल। झारखंड के रामगढ़ में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन और एसयूवी में भिड़ा था, हादसे में 13 लोगों की मौत। हिमाचल की मंडी में सामने आई भूस्खलन की हैरतअंगेज तस्वीर, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा, हाईवे बंद। कुल्लू के पास भी भारी भूस्खलन की खबर, हड़ोंगी देवी के पास धंसा पहाड़, हादसे में 2 यात्री बसे बाल बाल बची। हरियाणा के रोहतक में वुशू की राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़, हरियाणा वुशू एसोसिएशन के महासचिव पर लगा आरोप। चंडीगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद नहीं रुक रहा प्लास्टिक का इस्तेमाल, एनजीटी ने लगाया है प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छात्रा ने मंचलों को सिखाया सबक, थाने में सभी आरोपियों की चप्पल से पिटाई। बारिश से बेहाल चेन्नई में छत पर फंसी गर्भवती महिला का वायुसेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, अस्पताल में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म।
चारों ओर सैलाब से घिरे घर में फंसी महिला ने छत पर जाकर मदद की लगाई थी गुहार। हेलीकॉप्टर से पहुंची रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया। चेन्नई में पीड़ितों की मदद के लिए देश भर से उठे हाथ। बैंगलोर पीड़ितों के लिए 1,00,000 चपाती तैयार की गई। बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान के पहिए के नीचे दिखा सांप। कर्मचारी की मदद से सांप को हटाया गया। चेन्नई में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी। कोलाथूर इलाके में का सबसे बुरा हाल। कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस में लगी आग। हादसे के समय बस में बैठे दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। राख हुई बस। यूपी के गाजीपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। चार महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोग घायल। घायलों में एक बच्चे की हालत नाजुक। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के जौनपुर में मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हो सका एक शख्स का अंतिम संस्कार। जेल में बंद पत्नी को पैरोल पर नहीं मिलने से रुका अंतिम संस्कार। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस के खौफ में है महियावर गांव के लोग। पुलिस वालों पर गांव वालों से मारपीट का आरोप। डर के चलते गन्ने के खेतों में रह रहे हैं लोग। रांची में देवड़ी मंदिर के बाद 2 ट्रकों में भिड़ा। ट्रकों में फंसे ड्राइवर और खरीसा को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। सभी अस्पताल में भर्ती। देवघर के पास मधुपुर और जसीडी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गाड़ी पर चढ़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आए। झारखंड के गढ़वा में सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन जब्त। धनबाद में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला। इंसाफ में पिछले 24 घंटे से घर के सामने धरने पर बैठी है महिला। गढ़वा के चंद्रपुर पंचायत में मुखिया उम्मीदवार जितेंद्र चंद्रवंशी को जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने 5,00,000 की मांगी रंगदारी। मुंबई के कांदीवली में एक झुग्गी में आग लगने से एक बच्चे की मौत। 13 लोग घायल। दमकल की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। नागपुर में सही दाम नहीं मिलने से नाराज संतरा किसानों का प्रदर्शन है। एनसीबी की अगुवाई में किसानों ने सड़क पर संतरा फेंक जताई नाराजगी। नागपुर में महाराष्ट्र के एजी के बयान के खिलाफ शिवसेना का विरोध। प्रदर्शन एजी ने अलग राज्य विदर्भ को लेकर दिया था बयान। इंटरनेशनल किडनी रैकेट में अकोला पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। परभणी में महाराष्ट्र के स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर के रिश्तेदार ने की खुदकुशी। पारिवारिक कारणों का दिया गया हवाला। थाने में प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स ने अपनी 5 महीने की भतीजी को मार डाला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के सूरत में पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आज 3 बजे तक पुलिस हिरासत में भेजा। राजस्थान के जयपुर में स्वास्थ्य भवन में एक शख्स की गार्डो ने की पिटाई। मंत्री के लिए रास्ता खाली कराने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के झालावाड़ में 12 साल के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझी। कुकर्म के बाद की गई थी हत्या। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान के पाली में पूरी धूमधाम से निकाली गई हथनी की शव यात्रा। कई सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भाग ले चुकी हथनी। काफी समय से थी बीमार। धौलपुर में 40 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। उदयपुर में IBPS परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया मुन्ना भाई। हाईटेक नकलची की बनियान से डिवाइस और ईयरफोन बरामद। भरतपुर में बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पर बने रेन बसेरे में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। महिलाओं की सुरक्षा से भी खिलवाड़। माउंट आबू के वन जीव अभयारण्य में 5 माह के शावक की मौत। निमोनिया को बताया गया मौत का कारण। पुष्कर में बारी मोहल्ला पहुंची टीवी सीरियल दिया और बाती हम की टीम। मोहल्ले का नाम बदलकर सीरियल में दिखाया गया हनुमान गली किया गया। असम विधानसभा से 15 विधायक किए गए निलंबित। सभापति ने हंगामा करने पर बीजेपी ने 6 और कांग्रेस के 9 विधायकों को निकाला। गुटूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लाल चंदन के 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दुर्गापुर नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एयर इंडिया की उड़ान सेवा का किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में ट्रेन्ड अप्रेंटिस युवकों ने रेलवे अधिकारियों के सामने किया प्रदर्शन। नौकरी न मिलने के विरोध में प्रदर्शन। अनंतनाग में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला। 5 जवान समेत 1 नागरिक घायल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा। विपक्ष ने इंदौर के नेत्रदान शिविर में लापरवाही का उठाया मामला।
शहडोल के उमरिया में एक धमाके में 3 बच्चे बुरी तरह घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज के घर प्रकाश पर्व कीर्तन का आयोजन, खुद की पगड़ी में दिखे शिवराज। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल बसों के ड्राइवरों पर कसी नकेल, शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर हमेशा के लिए लाइसेंस जब्त। बेंगलुरु में कूड़ा जलाए जाने से लोग परेशान, प्रदूषण की वजह से हो रही लोगों को दिक्कत। शाहरुख ने कहा कि चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कर सकते हैं चैरिटी शो, हालांकि फिल्म दिलवाले के पहले दिन की कमाई देने से किया इनकार। फिल्म दिलवाले को लेकर बेहद एक्साइटेड है काजोल और शाहरुख, 5 साल बाद पर्दे पर साफ दिखेगी जोड़ी। श्रीनगर में बॉलीवुड फिल्म सरगोशिया की शूटिंग शुरू, डल झील के किनारे की गई शूटिंग। क्रिकेटर यूसुफ पठान परिवार के साथ पहुंचे आगरा, परिवार के साथ ताजमहल को देखा। 8 साल का शशांक बाथम बना देश का सबसे युवा मैराथन धावक, भोपाल में 59 मिनट की पूरी की 11 किलोमीटर लंबी रेस। भारत में खेलना चाहती है अमेरिकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स, 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं सरीना। भारत दौरे पर पाकिस्तान के निशक्त क्रिकेटरों की टीम, राजीव शुक्ला ने की पाकिस्तान क्रिकेटरों से मुलाकात। दिल्ली में आज आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, 2 नई टीमों पर होगा फैसला। कोटला टेस्ट में बजा टीम इंडिया का डंका, विराट की सेना ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर। दक्षिण अफ्रीका की टीम खेल के आखिरी दिन दूसरी पारी में 143 रन पर ढेर, दूसरी पारी में अश्विन ने चटकाए 5 विकेट। दोनों पारी में शतक लगाने वाले अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच, चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों के नाम किया अपना वो। सीरीज में 31 विकेट लेने वाले आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच, कहा दूसरे छोर पर जडेजा से मिला पूरा सहयोग। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान अमला ने कहा भारत ने पूरी सीरीज में हमसे बेहतर खेल दिखाया, घरेलू मैदान पर मेरी जीत से गदगद दिखे विराट कोहली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान को लगता है कि सुषमा के दौरे से क्रिकेट के लिए खुल सकता है रास्ता। नेपाल के जनकपुर में मधेशी आंदोलन का असर, पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट, स्कूल बंद किए गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी गुरुवार तक रोका गया काम। ब्रिटेन में एंटी बुलिंग कैंपेन के तहत प्रिंस विलियम ने किया कॉलेज का दौरा, डायना अवार्ड संगठन की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर सक्रिय हो गया है, पहाड़ पर ज्वालामुखी से निकल रहा लावा बहता हुआ देखा जा सकता है।